जो नए कार्य की शुरुआत की, बहुत सारे नए परियोजनाओं की नींव रखी, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य उनके मार्गदर्शन में निरंतर कर रहे हैं और उसमें इनका भरपूर सहयोग हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है। महोदय, आपका इस अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। साथ ही साथ मैं स्वागत करना चाहता हूं अपने उप महानिदेशक फसल विज्ञान डॉक्टर टी आर शर्मा का, जिनका भी संस्थान के साथ बहुत गहरा नाता है। करीब 1.5 से 2 दशक तक इस संस्थान में वैज्ञानिक के रूप में, शिक्षक के रूप में और उसके बाद में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के निदेशक के रूप में इन्होंने अभूतपूर्व कार्य किया और इस समय उप महानिदेशक के रूप में संस्थान की बागडोर इनके हाथ में है और इनका मार्गदर्शन संस्थान की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में, सुचारू रूप से चलाने में हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ उप महानिदेशक शिक्षा विभाग डॉक्टर आर सी अग्रवाल का, जो हमारे बीच में उपस्थित है। डॉक्टर अग्रवाल भी हर समय, हर पल, हर पल उषा संस्थान के साथ लगे रहते हैं। हम लोग पीछे पड़ जाते हैं लेकिन ये हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो पैसा देने की बात हो, नई योजनाओं की शुरुआत की बात हो, उषा संस्थान को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शिक्षण संस्थान बनाने की बात हो, हर जगह हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ हमारे परिसर में, परिषद के जितने संस्थान हैं उनके निदेशक डॉक्टर सुरेश पाल यहाँ पे हैं, डॉक्टर शास्त्री हैं, इन लोगों का, डॉक्टर सुभाष चंद्र का विशेष रूप से अभिवादन करता हूँ मैं और उनका स्वागत करता हूँ कि वो लोग समय निकाल कर इस प्रसन्नता की घड़ी में हमारे साथ हैं। साथ ही साथ मैं स्वागत करता हूँ अपने संस्थान के हमारे सहयोगी डॉक्टर रश्मि अग्रवाल संयुक्त निदेशक शिक्षा, डॉक्टर बी एस तोमर संयुक्त निदेशक प्रसार और परियोजना निदेशक डॉक्टर मान सिंह, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, प्राध्यापक, वैज्ञानिक और छात्र। क्योंकि कोविड गाइडलाइंस के हिसाब से किसी भी इंक्लोजर के अंदर 100 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे, इसके चलते और आजकल ये परंपरा हो गई है, हम लोग सारा कार्यक्रम लाइव कर रहे हैं वेबकास्ट के माध्यम से, IRI के साइट पे, YouTube के माध्यम से, और हमारे जितने छात्र हैं संस्थान के पूर्व निदेशक व्यक्तिगत रूप से मैंने उन लोगों से बात की है, डॉक्टर एच एस गुप्ता, डॉक्टर आर बी सिंह, डॉक्टर पंजाब सिंह, ये लोग भी हमारे साथ YouTube के माध्यम से जुड़े हुए हैं। मैं सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ इस अवसर पर। हमारे बीच में पद्मश्री से सम्मानित किसान सुल्तान सिंह जी, कौन सिंह चौहान जी, भारत भूषण त्यागी जी हैं और इसके साथ साथ प्रगतिशील किसान में हमारे साथ सत्यवान जी हैं, प्रीतम जी हैं और खेमाराम जी हैं। ये लोग अपने विचार संक्षिप्त में हमारे सामने रखेंगे कि उनकी अपेक्षा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से क्या है, किस प्रकार से वो किसानों की समस्याओं का समाधान करके उनको आगे बढ़ाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे साथ एक और किसान जो अब अपने 80वें साल में प्रवेश करने वाले हैं, त्रिभुवन सिंह जी हैं, जो कि सुरेरा गांव है नजफगढ़ का, वहां से आए हुए हैं और पिछली बार में जब नजफगढ़ गया था तो उनसे चर्चा हुई, उनसे बातचीत हुई, फिर उन्होंने अपना सारा अनुभव साझा किया किस प्रकार से डॉक्टर स्वामीनाथन के साथ 1960 के दशक में, 67-68 में जब लर्मा रोहो सनोरा 64 आई ही थी, उसमें इनकी उम्र मुश्किल से 20-22 साल की थी और किस प्रकार से उन प्रदर्शनों में इन्होंने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। तो इनको भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि आप आइए और इस स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़िए। आप आए हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ कई व्यवसायी बीज उद्योग से जो जुड़े हुए हैं, हम लोग एक नई किस्म है उषा बासमती 1692 जो पिछले वर्ष विमोचित की गई थी और उसका अनुबंध करने के लिए करीब 11 निजी क्षेत्र की कंपनियां हमारे साथ आज शामिल हुई हैं, जो अनुबंध भी करेंगे, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही साथ जितने स्कूली बच्चे हैं जिन्होंने पिछले 1 हफ्ते से अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेकर के, और चाहे वो पेंटिंग का कॉम्पिटिशन हो, चाहे वो वाद विवाद प्रतियोगिता हो, निबंध प्रतियोगिता हो, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है और इनके प्रदर्शन का नमूना बाहर लगाया गया था, आपने देखा होगा, जो अपने आप में वो तस्वीरें जो है बहुत कुछ बोलती हैं।
और विशेष रूप से आज के जो फाउंडेशन डे लेक्चर का थीम है उससे संबंधित कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो दिल को छू जाती हैं। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का, जितने लोग वर्चुअल माध्यम से या इस सभागार में उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, पुनः एक बार स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हर वर्ष त्योहार हम एक व्याख्यान आयोजित करते हैं और मैं बताना चाहूंगा इस व्याख्यान श्रृंखला की शुरुआत हमारे महानिदेशक महोदय के द्वारा की गई थी, जब 2015 में निदेशक थे यहाँ पर, और उन्होंने पूरी योजना बनाई थी किस प्रकार से बड़े पैमाने पर हम लोग स्थापना दिवस को मनाए समारोह के रूप में, और 2016 में अप्रैल में पहली बार स्थापना दिवस बड़े पैमाने पर समारोह के रूप में मनाया गया। उसमें आप महानिदेशक पहुंच के चले गए थे, लेकिन उनके देख रेख में बहुत बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया था। डॉक्टर स्वामीनाथन उसमें आए थे, पहला व्याख्यान उन्होंने दिया था, और उसके बाद से फिर डॉक्टर पंजाब सिंह, डॉक्टर ब्रोडा, डॉक्टर शेखर मांडे। पिछली वर्ष कोविड के चलते हम लोग आयोजन नहीं कर पाए थे, और इस बार भी बहुत सारी दुविधाएं थी, उसके बावजूद भी हम लोगों ने हमने महानिदेशक महोदय से चर्चा की और उन्होंने कहा कि नहीं हम लोगों को करना चाहिए, तो हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हैं। आज के व्याख्यान में हमने अनुरोध किया था प्रोफेसर रतन लाल से, आप लोग उनके बारे में परिचित है, संक्षिप्त में उनके बारे में बताऊंगा। और चूंकि अमेरिका में और यहाँ में समय का अंतर बहुत ज्यादा है, करीब 10:30 घंटे का, तो उनके लिए उतना सुविधाजनक नहीं था कि लाइव आकर तो हमको संबोधित कर पाते, इसलिए उन्होंने अपना प्री रिकॉर्डेड लेक्चर दिया है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमने उसको सुना है शुरू से लेकर अंत तक, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग